नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार विजिटेक में आपका स्वागत है। तो चले आज मैं आपको एक अच्छी मतलब जो पावरफुल टीम है वो देने जा रहा हूँ। जैसे कि देख रहे हैं पिछली मैच बैंगलोर ने जीत ली है, तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका है दोस्तों। और पंजाब जो कि उनका अभी बहुत ही परफॉर्मेंस डाउन है, तो अभी बैंगलोर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है आज जीतने के। तो चले मैं आज आपको टीम बताने जा रहा हूँ, तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, विकेट कीपिंग में आपको लोकेश राहुल जी मिलेगी, क्विंटन डिकॉक, पार्थिव पटेल। क्विंटन डिकॉक तो फिलहाल बाहर है टूर्नामेंट से चोट के कारण। पार्थिव पटेल या लोकेश राहुल ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी पार्थिव पटेल पे विश्वास करते जा रहा हूँ, क्योंकि उनका बहुत छोटा कद है और जैसे कि वो स्पिनर बॉलर को भी अच्छी तरह से खेलते हैं, तो मैं आज पार्थिव पटेल को प्रेफर कर लूँगा। वैसे ही लोकेश राहुल की परफॉर्मेंस में है बट फॉर्म में है, बट पार्थिव पटेल को मैं सिलेक्ट किया क्योंकि उनके आज खेलने के बहुत चांसेस हैं, अच्छे खेलने के बहुत चांसेस हैं। तो बैटिंग देखते हैं दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट विराट कोहली जी को ही ये करते हैं, क्योंकि उनको चेसिंग का बहुत ये है, मतलब बहुत फेवरेट है उनका चेस करना, तो वो अच्छे रन बनाने के आज ये है। करुण नायर, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल। मैं आज एवी डिविलियर्स को नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पॉइंट्स की वजह से मैं नहीं ले पाऊँगा, तो मैं ये चार बैट्समैन ले लिए। देखते अगर पॉइंट रहते तो हम एक आधा और ले लेंगे। क्रिस गेल के भी आज बहुत चांसेस है खेलने के। एरन फिंच भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। एरन फिंच बहुत ही निचले ऑर्डर में आते हैं अभी, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। ऑलराउंडर देखते रविचंद्रन अश्विन, क्रिस ओक्स खेलने के कम चांसेस है, कॉलिन ग्रैंडहोम खेलेंगे आज कम, रविचंद्रन अश्विन प्रेफर करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी हमें बॉलर आज बॉलर बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर है टीम में, एंड्रयू ट्राय, टीम सऊदी ले सकते हैं, युजवेंद्र चहल, मुजीब झारदन। तो देखो दोस्तों, चार बॉलर ले लिए हमने, और अभी हम एबी डिविलियर्स को लेंगे दोस्तों, बिकॉज 11 पॉइंट्स रह गए थे। तो एबी डिविलियर्स भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप करते हैं विराट कोहली के साथ, अभी पिछले मैच में देखा है हमने, बहुत ही अच्छी बैटिंग और बहुत ही अच्छा बैटिंग है उनका, और फील्डिंग तो लाजवाब है दोस्तों, इस कारण ने एबी डिविलियर्स को ले लिया है दोस्तों। अभी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको फुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज विराट कोहली को कैप्टन कर दीजिए और पार्थिव पटेल को वाइस कैप्टन कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों टीम के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और आज उनका परफॉर्मेंस 100% देना ही होगा, क्योंकि आज का जो मैच है वो बैंगलोर के लिए करो या मरो का है। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों ये दोनों प्लेयर सजेस्ट करूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन, और बाकी के प्लेयर आप भी चुन सकते हैं। ये मैंने आज आपको टीम दे दी है, विकेट कीपिंग कीपर है पार्थिव पटेल, बैट्समैन विराट कोहली, करुण नायर, मनदीप सिंह, मयंक अग्रवाल, एबी डिविलियर्स, ऑलराउंडर में लिए है रविचंद्रन अश्विन जो पंजाब की कैप्टन है, बॉलर में ले लिए है एंड्रयू ट्राय, टीम सऊदी युजवेंद्र चहल, मुंजीब झारदन। तो ये रही टीम दोस्तों, तो मैं अभी इसका आपको प्रीव्यू देने जा रहा हूँ।
ये देखो, ये रही अपनी ये टीम दोस्तों, ये टीम टू और टीम वन मैंने ये चूज किया है दोस्तों। मैंने ऑलराउंडर में अक्षर पटेल को एक्स्ट्रा लिया, एबी डिविलियर्स नहीं लिया इस टीम में, और वाइस कैप्टन जो है केएल राहुल को लिया है दोस्तों, क्योंकि केएल राहुल की भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। बट आज पंजाब के जीतने के आसार कम लग रहे हैं मुझे, पता नहीं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत ही कम आसार लग रहे हैं। और बेंगलोर का जो पिछले मैच में जो कॉन्फिडेंस देखा है वो लाजवाब है दोस्तों। तो मुझे लगता है आज आरसीबी जीतने वाली। सो आई सजेस्ट यू विराट कोहली एज ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन लोकेश राहुल और पार्थिव पटेल। ये ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखने हैं दोस्तों, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।